हेलो एवरीवन, आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड टू यू बाय www.examhai.com। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं पेयर ऑफ ओवरी एंड पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक, वजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, और ये सब लोकेट होते हैं पेल्विस रीजन में बिहाइंड द किडनी इन द लोअर एब्डोमिनल। इसके साथ होते हैं पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड, और मेमोरी ग्लैंड होता है प्रेजेंट थोरैकिक रीजन में। ओके, तो जैसा कि इस डायग्राम में आप देखेंगे, ये है ओवेरी, ये टू इन नंबर होती है, और ओविडक्ट को हम फेलोपियन ट्यूब या यूटेरियन ट्यूब भी कहते हैं, और ये भी टू इन नंबर होती है। फेलोपियन ट्यूब का रोल होता है कि ओवरी से एग प्रोड्यूस हो तो उसको यूट्रस में ट्रांसफ़र करना। तो ये एक तरीके का कनेक्शन है ओवरी और यूट्रस के बीच का। ये है यूट्रस। यूट्रस की वॉल स्ट्रेचेबल होती है, तो जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट होने लग जाता है तो जो फीटस जब धीरे धीरे करके डेवलप होता है और बड़ा होता जाता है तो उसके साथ ही जो यूट्रस की वॉल है ये भी अपने साइज़ में इंक्रीज होती जाती है, और इस तरीके से एक बेबी का डेवलपमेंट यूट्रस के अंदर होता है। यूट्रस ओपन होती है सर्विक्स में, सर्विक्स ओपन होती है वजाइना में। वजाइना को हम बर्थ कैनल भी कहते हैं, और वजाइना कॉपुलेशन के वक्त सबसे ज़्यादा हेल्पफुल, कॉपुलेशन के वक्त ये सबसे ज़्यादा नीडेड एरिया है। ओके, ओवेरी होते हैं फीमेल गोनाड, और जो प्रोड्यूस करते हैं फीमेल गैमिट, ओवा या फिर एग। साथ ही प्रोड्यूस करते हैं ये बहुत से हॉर्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, और ये हॉर्मोन्स ओव्यूलेशन में हेल्पफुल हैं, और साथ ही ये हॉर्मोन मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल है। मेमोरी ग्लैंड रिक्वायर होता है जब बेबी बॉर्न होता है तो उसके नरिशमेंट के लिए मिल्क प्रोड्यूस होता है मेमोरी ग्लैंड के अंदर, और जो उस बेबी को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आता है मोन्स प्यूबिस, लीबिया मेजोरा, लीबिया माइनोरा, हाइमिन एंड क्लिटोरियस। मोन्स प्यूबिस आउटर एरिया होता है, ये कवर होता है स्किन से, ये फैटी टिश्यू से बना हुआ होता है, और इसके ऊपर हेयर्स और स्किन की कवरिंग होती है। ये हेयर्स को हम प्यूबिक हेयर भी कहते हैं। ये है मोन्स प्यूबिस। ओके, इसके बाद जो इसके नीचे स्किन की फोल्डिंग होती है उसको हम कहते हैं लीबिया मेजोरा, और उसके अंदर जो दूसरी फोल्डिंग होती है उसको हम कहते हैं लीबिया माइनोरा। लीबिया माइनोरा जहाँ जाके जॉइंट होता है उसको हम कहते हैं क्लिटोरियस। क्लिटोरियस का रोल पेनिस की तरह होता है। एट द टाइम ऑफ इंटरग्रोस क्लिटोरियस इरेक्ट हो जाती है। ओके, वजाइना के ऊपर जो मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है उसे हम हाइमिन कहते हैं। हाइमिन ब्रेक हो जाती है आफ्टर फर्स्ट इंटरकोर्स, बट समटाइम स्पोर्ट्स एक्टिविटी के दौरान जैसे हॉर्स राइडिंग और साइकिलिंग के दौरान भी हाइमिन का ब्रेक हो जाती है, और कई बार हाइमिन इंटरकोर्स के बाद भी प्रेजेंट रहती है। तो हम हाइमिन को रिलायबल नहीं मानेंगे, रिलायबल इंडिकेटर फॉर द वर्जिनिटी ऑफ अ फीमेल। तो हाइमिन की प्रेजेंस और एब्सेंस वर्जिनिटी ऑफ फीमेल को डिसाइड नहीं करती है। नेक्स्ट हम आते हैं ओवरी पे। ओवरी का जो स्ट्रक्चर है वो फ्लैट ओवॉइड बॉडी है, और ईच ओवरी 2 to 4 सेंटीमीटर की होती है लेंथ में, और ये कनेक्ट होती है पेल्विस वॉल से या यूट्रस से बाय लिगामेंट। तो इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। ये होता है यूट्रस, और ये है वजाइना, सर्विक एंड वजाइना। ये है फेलोपियन ट्यूब जो कि होते हैं 2 in number, और ये फेलोपियन ट्यूब से कनेक्टेड है ये ओवरी, और ये ओवरी को जो सपोर्ट प्रोवाइड होता है वो होता है लिगामेंट से। ये लिगामेंट ही हेल्प करता है ओवरी को, जिससे कि वो यूट्रस वॉल से यूट्रस से और पेल्विस वॉल से अटैच रहती है।
ओवेरी की जो आउटर लेयर होती है वो कहलाती है जर्मिनल एपिथीलियम, और उसके नीचे की लेयर कहलाती है ट्यूनिका एल्विजिनिया, और इसके नीचे जो कहलाता है ये पूरा एरिया कहलाता है स्ट्रोमा। तो हम ओवेरी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मेड्यूला एंड कॉर्टेक्स। तो जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है उसको हम कहेंगे मेड्यूला, और जो ये सेल्स की लेयर होती है उसको आउटर, उसको हम कहेंगे कॉर्टेक्स। सबसे पहले डिस्कस करेंगे मेड्यूला। मेड्यूला जो इनर मोस्ट पार्ट है, डीपर पोर्शन होता है ओवरी का, और इसके अंदर ये आप देखेंगे ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व फाइबर प्रेजेंट हैं, और ये कंटिन्यू होता है मीजो वेरियम तक। ओके, इसके बाद आता है कॉर्टेक्स। ऊपर कॉर्टेक्स एक सेलुलर लेयर है, और कॉर्टेक्स की जो आउटर लेयर वो लाइनिंग होती है वो है जर्मिनल एपिथीलियम, जिसके नीचे है ट्यूनिका एल्विजिनिया। जर्मिनल एपिथीलियम गिव राइजेस टू प्रीमोर्डियल ओवा। तो जो ओवा इनिशियली प्रोड्यूस होते हैं वो जर्मिनल एपिथीलियम के सेल से प्रोड्यूस होते हैं, और फिर वो मूव कर जाते हैं कॉर्टेक्स रीजन में। जैसा कि इस डायग्राम में देखेंगे, जर्मिनल एपिथीलियम में प्रोड्यूस हुए प्रीमोर्डियल फॉलिकल, और धीरे धीरे करके ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल डेवलप हो गए प्राइमरी फॉलिकल्स में। प्राइमरी फॉलिकल्स फर्दर डेवलप होते हैं, इसके जो चारों तरफ ये जो सेल्स की लेयर बन जाती है वो कहलाती है ग्रैनुलोसा सेल्स, और ये सेल्स कॉर्टेक्स के सेल्स होते हैं जो इसके चारों तरफ लेयर बना लेते हैं सेल्स के, और इसके अंदर ऊसाइड्स का डेवलपमेंट चलता रहता है। ऊसाइड्स का डेवलपमेंट होकर ये सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जैसे ही ये मैच्योर हो जाती है लेयर, वैसे ही ये बर्स्ट होती है और ओवम रिलीज होता है इनसाइड द फेलोपियन ट्यूब, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। और अब जो ये ओवम है ये रेडी है फॉर फर्टिलाइजेशन। उसके बाद ये जो कॉर्पस ल्यूथियम है ये धीरे धीरे करके डिजेनरेट हो जाता है, और ये साइकिल फिर से कंटिन्यू होती है और चलती है 28 डेज तक। 28 डेज बाद फिर से ओव्यूलेशन होता है। सो ये जो साइकिल है वो फीमेल ओवेरी के अंदर मंथली होती है और कंटिन्यू चलती रहती है, और आइदर ऑफ द ओवेरी में होती है, दोनों ओवेरीज में साथ में नहीं होती, कभी लेफ्ट साइड में होगी तो कभी राइट साइड में होगी। और जैसे ही मैच्योर हो जाती है वैसे ही ओवम रिलीज हो जाता है। तो ये साइकिल अगर चलती रहती है जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता तब तक यूट्रस के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, और जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है वैसे ही ओव्यूलेशन होना बंद हो जाता है, फिर फीटस का, बेबी का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। सो एट 7th और 8th मंथ का जब बेबी गर्ल होती है मदर के वुम्ब के अंदर, तो उस टाइम पे अराउंड 6 मिलियन प्रीमोर्डियल फॉलिकल बनते हैं ओवेरीज में। और जब बेबी बर्थ ले लेती है बेबी गर्ल, तो 1 मिलियन बचते हैं, बाकी सब डिजेनरेट हो जाते हैं। और जब प्यूबर्टी का टाइम आता है, यानी कि जब बेबी जब गर्ल मैच्योर हो चुकी है अब बेबी को बियर करने के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, तो उस टाइम पे ये नंबर रिड्यूस होकर 3 लाख टू 4 लाख बचता है आफ्टर मेनार्क। मेनार्क वो स्टेज है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। तो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक फॉलिकल मैच्योर होता है और ओवम रिलीज करता है फ्रॉम आइदर ऑफ द ओवेरी, दोनों में से किसी एक ओवेरी में, और ये कंटिन्यू रहता है टिल मेनोपॉज। मेनोपॉज वो स्टेज होती है जब फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड हो जाती है, और अब वो फर्दर बेबी बियर नहीं कर सकती, फर्दर उसमें प्रेगनेंसी नहीं होगी, और उसके बाद जितने भी फॉलिकल होते हैं वो सब डिजेनरेट हो जाते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब एग्जाम है ऑन यूट्यूब, लाइक अवर वीडियोज़ एंड प्लीज़ कमेंट।